बोली कि हमको नहीं पता है कि मेरा भाई कहाँ है, मेरी मम्मी के नाम से आवाज आया था, हम घर बनाने के लिए गए थे वहाँ पे। तो जब गए थे जो जिसमें एक सिपाही जिसका निषाद है हम पढ़ नहीं पाए, नाम बस निषाद हम जानते हैं, और अतुल मिश्रा, दोनों लोग हमारे साथ बहुत सारी बदतमीजियाँ की, मुझे मारी, मेरी मम्मी का डायलिसिस चलता है, प्रधान बोला उसको भी, प्रधान विजेंद्र सिंह की साजिश थी ये सब, और हमको मरवाए पिटवाए, हमारे साथ बदतमीजी की, हमारे कपड़े भी फाड़ने की कोशिश की, तब मेरे रिश्तेदार थे वो लोग हाथ पैर पकड़ के बचाने की कोशिश की। बैरिया थाने के गाँव का मामला है जहाँ फरार अभियुक्त के खोजबीन में लगी पुलिस पर महिला परिजनों से बदतमीजी करने का आरोप लगा है। आपको बता दें, महिला ने दारोगा अतुल मिश्रा और सिपाहियों पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया। पीड़ित महिला ने बताया, फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी और दबिश के नाम पर पुलिस ने बदतमीजी की। वहीं पीड़ित महिला ने दारोगा अतुल मिश्रा के कारनामे की पुलिस के अधिकारियों से शिकायत की। रोती बिलखती महिला ने कठोर कार्रवाई करने की मांग की। मेरे पापा और भाई जेल गए थे, एक मेरा भाई फरार चल रहा था कोर्ट बंदी की वजह से, जिससे वो हाजिर नहीं हो पाया, और मैं घर गई 13 तारीख को 8 बजे रात को, तो चार सिपाही और एक दरोगा ने हमको मारे और हमारे साथ बदतमीजी की, जिसका दरोगा का नाम अतुल मिश्रा है और एक निषाद था, उसका हम पढ़ नहीं पाए कि नाम क्या है। कब की ये घटना है? 13 तारीख को। सिपाही और जिस दरोगा का आप नाम ले रही हैं, अतुल मिश्रा बता रही हैं, उनके साथ कोई महिला पुलिसकर्मी भी गई थी क्या? नहीं थी, और वो चार सिपाही को लेकर गए थे। कौन सा थाना पड़ता है? थाना बैरिया पड़ता है। क्या हुआ था उस दिन बताइए? वो गए घर पे और पूछे कि तुम्हारा भाई कहाँ है, हम बोले कि हमको नहीं पता है कि मेरा भाई कहाँ है, मेरी मम्मी के नाम से आवाज आया था, हम घर बनाने के लिए गए थे वहाँ पे। तो जब गए थे तो टाइमिंग कितना हो? टाइम 8 बज रहा था जब वो लोग घर पे घुसे, तब 8 मॉर्निंग या नहीं, रात को 8 बजे गए थे वो लोग घर, चार सिपाही को लेके, जो जिसमें एक सिपाही जिसका निषाद है हम पढ़ नहीं पाए, नाम बस निषाद हम जानते हैं, और अतुल मिश्रा, दोनों लोग हमारे साथ बहुत सारी बदतमीजियाँ की, मुझे मारी, मेरी मम्मी का डायलिसिस चलता है, प्रधान बोला उसको भी, प्रधान विजेंद्र सिंह की साजिश थी ये सब, और हमको मरवाए पिटवाए, हमारे साथ बदतमीजी की, हमारे कपड़े भी फाड़ने की कोशिश की, तब मेरे रिश्तेदार थे वो लोग हाथ पैर पकड़ के बचाने की कोशिश की, यहाँ से मेरा कमीज फाड़ दिए लोग। आपने इसकी लिखित शिकायत किसको दी है? इसकी साहब को दिया है, एक मुख्यमंत्री को दिया है। क्या चाहती हैं आप? न्यायालय में आप आई हैं, न्याय की गुहार लगा दी हैं, क्या उचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्या मांग है आपकी? उनकी कड़ी से कड़ी सजा, ताकि किसी महिला के साथ इस तरीके से व्यवहार ना करे वो। वकील साहब, एक महिला आई हुई है न्यायालय परिसर में, क्या मामला है इनका? जी, मामला ये है कि थाना बैरिया में एक अपराध संख्या 20/23 दर्ज है, जिसमें मतलब पीड़िता का पिता और भाई दोनों लोग न्यायिक अभिरक्षा जिला कारागार बलिया में हैं, उसी में वांछित इसका भाई अरविंद कुमार जो है बिंद, वो भी उसमें मुकदमे में वांछित है, तो पुलिस उसके मतलब गिरफ्तारी के संबंध में इसके घर गई, और ये लोग, इन लोगों का आवास आया हुआ है, ये लोग अपना आवास बनाने के लिए अपने घर पे जैसे कि तैयारी में लगी हुई थी, उसी दौर में ये लोग खाना वाना बना करके आराम कर रही थी, सोई हुई थी, तो पुलिस एक मतलब इसके बताने के हिसाब से एक दरोगा जी, नायब दरोगा और चार सिपाही इसके घर में जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, घर जब ये खोलती है तो इसको अचानक कहने लगते हैं, मतलब भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगते हैं, और उसके साथ कहते हैं कि तुम्हारा भाई कहाँ है बताओ, ये बोलती है कि भाई के विषय में तो मैं नहीं जानती हूँ, मैं कुछ नहीं बता सकती। इसी बात पे वो लोग मतलब नाराज हो करके इसको थप्पड़ से मारे हैं, और इसका जो है कि नहीं समीज का कालर वगैरह पकड़े हैं, तो ये जैसा कि आप बीती बताई है उसके हिसाब से मतलब ये फुटपाथ पर भी अपना रात गुजारी है, ठीक ना, उसके बाद सुबह में आई है यहाँ पे, और अपना सारा आप बीती बताई है, इसके बाद इसकी सूचना जो है कि नहीं पुलिस अधीक्षक बलिया को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, पुलिस महानिदेशक को एवं उच्च अधिकारियों को इस घटना से अवगत कराया गया है। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। न्यायालय की तरफ से, आपके तरफ से इस महिला को इंसाफ दिलाने के लिए क्या करवाई? जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक न्याय का सिपाही हूँ, और मैं इसको न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा,
और इसके विषय में मैं प्रयासरत हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को रजिस्ट्री के माध्यम से और उनके पोर्टल पर भी डाला गया है जैसा। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।